को नमस्कार। एक्सएसआईएस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप कुमार और आज हम थोड़ा यूपीपी 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है, आज 17 फरवरी फर्स्ट मीटिंग का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ ओवरव्यू लेंगे ताकि 18 फरवरी और सेकंड मीटिंग वाले बच्चों को थोड़ा सा फायदा मिल जाए। किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आया है ना, क्या किस सब्जेक्ट का कितना बर्डन था, क्वेश्चन टफ थे, हल्के थे या मॉडरेट टाइप के थे, इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे जिससे आपको कल के पेपर में स्ट्रेटजी बनाने में थोड़ी सी मदद मिल जाए। और क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरा कोई इरादा नहीं है तो वो मैं करूंगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग बस एक ओवरव्यू मोटा मोटा लेना है कि नहीं किस टाइप का क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे देखो 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, प्रत्येक 2 नंबर का होता है, 300 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। फर्स्ट मीटिंग 10 से 12 बजे के बीच था जिसमें आपको 8 बजे के आसपास पहुंचना था। सेकेंड मीटिंग आपका 3 से 5 होगा, है ना, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने होते हैं। सेकेंड मीटिंग आपका 3 से 5 बजे तक होगा लेकिन पेपर आपको अंदर 1 बजे ही जाना पड़ेगा, ठीक है, तो टाइम कम है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे नलिनी और राजीव शब्द में निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची है? नलिनी मीन्स क्या होता है, राजीव मीन्स क्या होता है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, ठीक है, को क्या बोलते हैं, ईशान बोलते हैं, नैसर्थ बोलते हैं, भव्य अग्नि, है ना, श्रुतसम और भिन्नार्थक, ठीक है, का अर्थवेद है। जैसे प्राकृत प्रकृत का प्राकृत, वर्ण व्रण वर्ण, विष विष, ससधर ससिधर, है ना, उधर देखा गया एक भाषा और एक यथार्थ है, ठीक है, प्राकृत एक भाषा है और प्राकृत यथार्थ नहीं होता, वर्ण एक रंग है, घाव है, नहीं ये दूसरा तो एकदम गलत है, विष विष धन और जहर दोनों गलत हैं, ससधर और ससधर चांद और शिव, है ना, तो इसमें से या तो पहला सही है तो डी वाला सही है। फिर कहा गया शुद्ध वाक्य, ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, सही बात है, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, ठीक है, दीन दुर्बल होता है, दुर्बलों नहीं होता। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं 10 बजने में, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ये बात सही है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, कौन सा पराधीनता, विहार, है ना, अजवायन, मुद्रिका, ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द का मतलब पराधीनता, पुल्लिंग शब्द यही है। किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे प्राण, हस्ताक्षर, सोना, दर्शन, है ना, किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे हस्ताक्षर करना, बहुत सारे हस्ताक्षर नहीं होते हैं, हस्ताक्षर होता है, प्राण कई सारे लोगों को, सोना, है ना, एक न तो सिंगल है न बहुवचन है, दर्शन, ठीक है, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो इसमें क्या कहा गया है, हे ईश्वर, हे भोरे, बराबर। उसके बाद तद्भव, तद्भव तत्सम संस्कृत तद्भव शुद्ध शब्द, तो ताप, जलधि, शांति और काज, काज संस्कृत शब्द है, जलधि संस्कृत शब्द है, ताप, ठीक है, और शांति, शांति भी संस्कृत ताप है, निम्नलिखित तत्सम है, ठीक है, तत्सम नव्य और स्वर्णकार, डंडा और नाक, कुम्हार, गधा, पलंग, पीला, है ना, तो इसी में आपको तत्सम ढूंढना है। उसके बाद 15 नंबर 10 नंबर रक्त रंजित, मैं आपको समास बताना है क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है, मदिरालय, मदिरा धनालय, अवतरण चिन्ह को किस और किस नाम से जाना जाता है, अवतरण चिन्ह पहले सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए अवतरण चिन्ह होता क्या है, सत्सई, ठीक है, सत्सई तो क्या है, समुच्चयवाचक है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, अब देखो संयुक्त क्रिया है, चिट्ठी लिखवाना या प्रेरणार्थक क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है या नामधातु क्रिया है, ये आपको बताना है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है, ओके, तिल का ताड़ बनाना मुहावरा है, ठीक है, तिल का ताड़ बनाना मतलब साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, परोक्ष, परोक्ष का विलोम होता है क्या, प्रत्यक्ष, ठीक, अपरोक्ष होता है, नहीं परोक्ष का प्रत्यक्ष होता है, ठीक है, परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप, हाँ प्रत्यक्ष होता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, है ना, जान चली जाए पर पैसा न जाए, क्रोध, अत्यधिक कंजूस होना ये कहता है, हाँ लोकोक्ति का अर्थ बताना है तो अत्यधिक कंजूस, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का है, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, किस अलंकार में समान धर्म होना अनिवार्य है, ठीक है, तो ये भी बताना है आपको, भाग यानी अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है, ब्याज, ठीक है, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में का काल पहचानी है, जा चुका है, ठीक है, पूर्ण भूत काल है,
ठीक है। राम अभी सोएगा, इसमें भी आपको वाच्य बताना है, कर्म वाच्य है, अब सो रहा तो एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ना है और फिर उनके उत्तर दिखने हैं। जैसे पहला गया शीर्षक बताना है, शीर्षक देखो मैं पहली बात बता दूं, शीर्षक जो भी है, जो भी आपको गद्यांश दिया जाए उसमें शीर्षक या तो प्रथम की चार लाइनों में होगा या लास्ट की दो लाइनों में होगा, ठीक है। लेखकों की किस्मत खराब है, क्योंकि देखो ये वाले क्वेश्चन ना बड़े सिंपल टाइप के होते हैं, ये आपको 100% करने ही करने चाहिए, है ना। भाषाओं में साहित्य के प्रति समान समाज में किस वर्ग में अरुचि की भावना है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग की अरुचि भावना है, है ना। जो नगरवासी है ज्यादातर वही है, सुशिक्षित वो पढ़ता है, अनपढ़ तो कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना, उच्च वो भी पढ़ने का कोशिश करता है। अमेरिकी, यूरोपीय, चीन, बर्मा, जापान लेखकों से हीन है, क्योंकि उनके साहित्य को भारत में के सुरक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं, उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता स्वभाव के प्रति, ये तुम्हारा वही है ऊपर वाला। तो शिक्षित समाज देखो पश्चिमी संबंध रखता है, कौन से प्रकार के रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, समुद्र का पर्यायवाची कौन है, मेघ ऋतु समानार्थक शब्द, स्त्री जो अभिनय करती है क्या बोलते हैं उसको, नायिका बोलते हैं या अभिनेत्री बोलते हैं, अभिनेत्री होता है, नायिका नहीं होता। नायिका का मतलब होता है जो नायक नायक की प्रेम की है, प्रेमिशा, युद्ध लड़ने वाली, नर्तकी जो डांस करती है, गायिका जो गायन करती है, अभिनय करने वाली को अभिनेत्री बोलते हैं। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है, ये आपको बताना, महादेवी वर्मा का नहीं है, ठीक है, ये तो रामचंद्र शुक्ल का होगा। मीराबाई किसकी शिष्य थी, है ना, संत रैदास की थी। उसके बाद देखो कितने क्वेश्चन पूछे गए, 38 क्वेश्चन पूछे गए हिंदी से, कितने पूछे गए 38 क्वेश्चन हिंदी से पूछे गए। इसमें देखो तत्सम तत्व पूछा गया, एक पर्यायवाची शब्द पूछा गया, एक हिंदी का जो कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे गए, खासकर आधुनिक जो हिंदी है। उसके अलावा आपसे कुछ शब्दों के लिए पूछा गया, क्रिया विशेषण पूछा गया, ठीक है, तो तत्सम तत्व पूछा गया। तो ये आपको पढ़ के जाना है 18 फरवरी को, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद देखें आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, प्रश्नवाचक चिन्ह मैथ स्टार्ट हो जाती है, लासा मासा का क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी एक सारणी है, सारणी का क्वेश्चन है, लासा मासा का है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है, शेष बचता है संख्या को विभाजित किया जाए, सरलीकरण है ना, सिंप्लीफिकेशन के भी 2-3 क्वेश्चन है। उसके बाद वो सीधी रेखा में एक बैठा है, व्यवसाय शुरू किया, इनकी आय उनकी आय, ठीक है, अंक संख्याओं का औसत, सरलीकरण है ना, परसेंटेज का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज उसका क्वेश्चन है, वृत्ताकार मैदान का क्वेश्चन है, घंटा, सेकेंड, टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, चार लड़के वो लड़के लड़कियों वाला जो काम करते हैं, एक दो इतने दिन में करते हैं, 3 इतने दिन में करते हैं, तो वो कैसे क्या होगा उसके बारे में क्वेश्चन किया गया है। उसके बाद अनुक्रम श्रेणी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर मैथ की बात करें, फिर 53 से 57 लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें एक सारणी दी गई है, टेबल, टेबल के अनुसार आपको क्या करना है, इसमें परसेंटेज के सवाल ज्यादातर होंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर वेन आरेख वगैरह है, यदि ये जैसे सिंपल 58 नंबर देखो, यदि प्लस का अर्थ भाग है, प्लस भाग का अर्थ गुणा है, तो इस तरह से कैसे होगा। आकृति को पहचानना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, वेन आरेख है, उसमें आपको बताना है। देखो आपको माइंडसेट यूज करके, सिंपल माइंडसेट यूज करके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी नहीं है। फिर श्रृंखला दी गई है, उनको पूरा करना है, ठीक है। ये रीजनिंग वाले बड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, ये जरूर आपको करना है। देखो जिसकी मैथ अच्छी नहीं है उन्हें क्या करना है, हिंदी करनी है, ठीक है, जीके करनी है और रीजनिंग करनी है, इसके लगभग 70% आपको यही करने हैं, 70-80%। उसके बाद मैथ में जो 2-4-5 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो भी करने हैं, और सिंपल क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। मैं ये मतलब वन डे एग्जाम का मेरा इतना अच्छा अनुभव है, मैं बताता हूं कि अगर आपने सिंपल क्वेश्चन गलत कर दिए तो 100% मान के चलिए आपका सिलेक्शन नहीं ही होगा, और अगर आपने सिंपल क्वेश्चन बहुत अच्छे से सही कर लिए, मॉडरेट टाइप में बढ़िया रिस्क ले लिया, तो 100% मान के चलिए आपका क्वेश्चन पेपर इजी होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आता है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में डिस्टेंस वाला है, उत्तर दिशा में मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर 4 किलोमीटर चलता है, फिर ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कहता जा रहा है वैसे आप आकृति बनाते चले जाओ। 64 नंबर देखो, वो भी सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, शेर मांड में रहता है तो खरगोश कहाँ रहेगा, खाई में रहेगा, छिद्र में रहेगा, बिल में रहेगा, गड्ढे में रहेगा। अब छिद्र, बिल और गड्ढा, छिद्र में कौन रहेगा, खरगोश तो नहीं रहेगा, छिद्र में चींटी वगैरह रहती है, बिल, अब बिल में भी खरगोश ही रहेगा, गड्ढे में तो रहेगा नहीं,
ठीक है, लायन डेन रॉबिट का क्या होगा, ट्रेंच होगा, होल होगा, बोरो होगा, पिट होगा, ठीक है, तो ये बताना है। एक श्रेणी दी गई है उसके अनुसार मिलान करना है, त्रिभुज दिया गया है कितने त्रिभुज पूछा गया है, सेकेंड मीटिंग में भी त्रिभुज वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। उसके बाद एक फॉलोइंग सेंटेंस वगैरह दिए हैं, ये वाले तुमको अक्षरों को पूरा करना होता है भाई, ठीक है। उसके बाद कथन कारण वाले वही, क्या भारत को क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, हाँ इसके कार्य में कुशलता एवं सटीकता आएगी, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये वाले आपको बताने हैं, सिंपल सा आपके क्वेश्चन है, बस आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर दिया गया है, फिर वो संगठन वाले पेशेवरों के चयन के लिए क्वेश्चन पेपर दिया गया है, 75 अंक, दुनियादारी, इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, रीजनिंग के सिंपल से क्वेश्चन है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है, एक सेकंड रुकना, हाँ चोरी का अपराध कराती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ोगे तो बड़े आराम से सिंपल से हो जाएंगे। उसके बाद आप पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है आपको, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाले सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको समझ के आधार पर करना है। कुछ कानूनन देखो इसमें क्या होता है ना, कानून पहले देखा जाता है, फिर आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एटीएम कार्ड की क्लोनिंग वगैरह का मामला है, ठीक है, आप एक जांच अधिकारी, पुलिस वाले भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए, तो ये बड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं और डिसीजन मेकिंग टाइप के होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो इनको मैं टाइम लेके कराऊंगा, क्योंकि अभी मुझे इसलिए जल्दी करना है क्योंकि सेकंड मीटिंग वालों का विचारों का पेपर है, तो थोड़ा समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अधिकारी के रूप में आपको या जिले के पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है, कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होगा, अब स्टेशन हाउस अधिकारी है, सर्कल अधिकारी है, पुलिस अधीक्षक है, पुलिस अधीक्षक मतलब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ये होगा नहीं, स्टेशन हाउस ऑफिसर ये होगा नहीं, डिप्टी इंस्पेक्टर होता है, उप महानिरीक्षक जिसको बोलते हैं, नहीं ये नहीं होगा। पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है, निम्नलिखित में कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है, ठीक है, ये पुलिस स्टेशन का प्रभारी का पूछा जा रहा है। देखो जो जिले के रूप में नियुक्त होगा वो एसपी होगा, ठीक है, जिसको सब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं, उप महानिरीक्षक, ठीक है, इसको डीजी बोलते हैं, तो ये होगा नहीं, स्टेशन हाउस अधिकारी ये होता है, ठीक है, एसआईजी इसको बोलते हैं, या सर्किल ऑफिसर हो सकता है, सर्किल अधिकारी भी वहां का कोतवाल बन जाता है। उसके बाद एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाजों के पूजा स्थलों में महिलाओं का प्रवेश सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो क्या करेंगे। हेलो ठीक निकलो भाई, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वहीं करीता, ठीक है। उसके बाद आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनना चाहिए, छुट्टियां लेकर इस स्थिति से बचना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए, सिंपल सा देखो यही ऑप्शन होगा, ठीक है। जहां आपको कानूनन दे दिया गया है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया गया है, तो वहां तो पावर का प्रयोग करके उस नियम को लागू कराना ही कराना है ना आपको। माँ बच्चा बादल क्या होता है, बारिश होती है, माँ बच्चा पैदा करती है, बादल बारिश करता है, ठीक है। उसके बाद देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं, कूट मद्रास को ये ओ डब्ल्यू एन एच ई क्यू लिखा जाता है, तो यहाँ पर आपको सीक्वेंस पता होने चाहिए। श्याम उत्तर की ओर चलता है, ये दिशा परीक्षण वाले सवाल है, कुछ शब्द ढूंढना है, ठीक है, जैसे छोड़कर सामान्य विषय, तोड़फोड़ परेशान उत्पीड़न दुख, तोड़फोड़ अलग चीज है दी गई है उसको बताना है। उसके अलावा एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 10:00 कितने मिनट होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, तो आपको देखना है ये सारणी हल करनी है, सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से बॉर्ड मास का नियम लगा लो। फिर उसके बाद प्रशिक्षित कितने हैं, कितने विवाहित हैं, अस्पताल में नर्सें कितनी है, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े आराम से हो सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अगर ओवरव्यू लें क्वेश्चन पेपर का तो ये मान के चलो ठीक ठाक रहा। उसके बाद जीएस के पेपर में वो ऊपर आपका दे दिया गया है, मैथ वगैरह बढ़ा दी गई है थोड़ा सा रीजनिंग फर्स्ट मीटिंग में, तो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, सतरंगी होता है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, सिंपल सा क्वेश्चन। 46 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अब संविधान सभा के अध्यक्ष एक ही व्यक्ति थे, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने की, हरिश्चंद्र ने की थी, ठीक है। उसके बाद कौन सा पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगून झील है, तो चिल्का है, चिल्का उड़ीसा वाली, ठीक है।
उसके बाद बेलाडिला की पहाड़ियां बैल के कूबड़ की तरह दिखती हैं, पहाड़ियों की श्रृंखला निम्नलिखित किस राज्य में अवस्थित है? बेलाडिला की पहाड़ियां इधर केरल साइड में है, ठीक है। समुद्र में एक संकीर्ण चैनल है और श्रीलंका को भारत से अलग करता है, तो ये पाक जलडमरु मध्य है, ठीक है। देखो ये यही है, 8 डिग्री चैनल तो मालदीव और उसको लक्षद्वीप को अलग करता है। सोनपुर पश्चिम मेला हर साल में आयोजित किया जाता है, किस राज्य में है? बिहार में है। अंगूर की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है ये बताना है। किस देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित कहा जाता है? शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या क्या कहेगा, शहरीकरण कहा जाएगा। नेशनल एल्यूमिनेशन नालको कहाँ है? डिगबोई असम नहीं होगा, नूनमती असम नहीं होगा, रायपुर छत्तीसगढ़, भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है क्या है? बांस है, अशोक है, बरगद है, वंज है, तो अशोक होगा। सुराहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण, साइबेरिया और अन्य प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस राज्य में है? तो ये सर मुझे कंफर्म नहीं है। निम्नलिखित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने की सबसे उपयुक्त है? तो लिंक्डइन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भदोही निम्नलिखित किस कला के लिए प्रसिद्ध है? भदोही में शायद चिकनकारी के लिए तो ये तुम्हारा लखनऊ है, कालीन बुनाई के लिए भी लखनऊ है, साड़ी बुनाई के लिए बनारस है, चमकीले मिट्टी के बर्तन बनते होंगे भदोही में। अकबर का मकबरा, ठीक है, उन्नाव में कहाँ है भैया? एटा में भी नहीं है, रामपुर में भी नहीं है, सिकंदरा में है। उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य और मक्के की खेती, ये कजरी, सॉरी चारकुला। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मोहन मालवीय किसके सहयोग से की थी? तो एनी बेसेंट वगैरह सहयोगी थी। मथुरा में जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है। अब ब्रजभूमि किसकी? भगवान श्री कृष्ण राम की अयोध्या है। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित किस राज्य, यूपी का पेपर है तो उत्तर प्रदेश का, विमुद्रीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नोटबंदी बोलते हैं, ठीक है, मुद्रीकरण, विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं, नोटबंदी। राजस्व संहिता 2000 है ना, तो पट्टे वचनबंध अनुदान के तहत धारित भूमखंड को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? UPSSF, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स होती है। उसके बाद देखो टका, टका कहाँ की मुद्रा है भाई? तो थाईलैंड की है, सर्बिया की है, तुर्की या बांग्लादेश। बांग्लादेश में तो रुपया चलता है, और टका कहाँ चलता है? थाईलैंड, सर्बिया, तुर्की, तुर्की में चलता होगा है ना। टका साथ बांग्लादेश का है, क्योंकि रुपया नहीं चलता, पाकिस्तान का रुपया है, टका बांग्लादेश का है। और GST के लिए एक गंतव्य आधारित कर है, एकल प्रशासन पूरे देश में सामान्य कानून और प्रक्रिया है, वस्तु सेवाओं पर एक तरह से कर लगाया जाता है, तो यही है। ईमेल, ठीक है, स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण, इसको फिशिंग बोलते हैं, ठीक है, फिशिंग। हाल ही में अमित शाह ने किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया की आनंद में है, हाँ शायद गांधीनगर में करी है। पुस्तक सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने, प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कौन सा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार तो दिए जाते हैं खेल में, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, ये सब खेल से संबंधित पुरस्कार हैं, ठीक है। कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में कौन सा है? कांडला बंदरगाह है, ठीक है। हाल ही में नौसेना ने फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा नहीं कुबरा है निम्नलिखित के स्थान पर पहुंचा है? तो ये सभी जगहों से गुजरा है, लेकिन इस समय हाल ही में हमको लगता है यहाँ जेबेल अली बंदरगाह UAE में है। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान थे, खुदाई खिदमतगार संगठन के प्रमुख। लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी करेंगे, और कौन करेगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल हाल ही में भारत और निम्नलिखित किस देश के बीच प्रवासन और गतिशील समझौते को मंजूरी दी है? देखो इसका है, ये है प्रवासन और गतिशीलता, इसको क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बिटवीन कुछ मोबिलिटी और माइग्रेशन के लिए। तो मोबिलिटी और माइग्रेशन के लिए इसके साथ समझौता हुआ जर्मनी के साथ, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चन, ठीक है, ठीक ठाक स्ट्रेंथ रही है, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन पेपर था, कुछ सिंपल क्वेश्चन थे। अगर क्लासिफाई करें तो 50 क्वेश्चन बड़े सिंपल थे जिनको आराम से किया जा सकता था, और लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास मॉडरेट किस्म के थे।
और बाकी 7-5-12 लगभग 30 क्वेश्चन टफ टाइप के थे, टफ कैटेगरी में। तो कुल मिलाकर अगर बात करें, क्वेश्चन पेपर ठीक था, बहुत टफ नहीं था ना बहुत ही इजी था, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, चार सेगमेंट है आपके, जीके पूछी जाती है, रीजनिंग है, मैथ है, उसके अलावा आपका पुलिस विभाग से संबंधित कुछ क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। तो सिंपल सी चीजें हैं, बड़े आराम से हो जाएंगे। सेकंड मीटिंग में जो भी बैठने जा रहा है पेपर, थोड़ा सा रिलैक्स होके कूल होके पेपर देना, बहुत ज्यादा वो मत करना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से क्वेश्चन पेपर करना। ये मान लेना कि जिंदगी का अंत नहीं है इस पेपर से, अभी बहुत सारी चीजें जीवन में घटती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। सेकंड मीटिंग का पेपर 6 बजे से हम लाइव स्टार्ट करेंगे। ठीक है।